शर्मा की कल कोर्ट में पेशी है जी, जी सर। आप चले जाना जी सर। ठीक है जी। ओके सर। हाँ नमस्कार, ये दीप्ति माथुर और अशोक माथुर आप ही के पड़ोसी है जी। क्यों, घर पर नहीं है वो? हाँ उन्हें बाहर जाना था कुछ काम से, पर हुआ क्या है? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो कुछ दिन पहले उन्होंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो रेफरेंस के लिए आपकी यहीं की डिटेल्स दी है तो इसीलिए आया। ओह ओके, पर मॉम डैड तो घर पर नहीं है। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप 18 की तो है ना जी? हाँ तो बस, तो फिर कुछ बेसिक से सवाल के जवाब देने हैं आपको, 10 से 15 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। हाँ, आप बाद में नहीं आ सकते मॉम डैड के आने के बाद? वो घर पर अकेली हूँ ना मैं। बेटा हम लोग पुलिस वाले हैं, फीमेल कांस्टेबल भी तो है साथ में। ठीक है आ जाइए फिर। थैंक यू जी। क्या थोड़ा पानी मिलेगा ठंडा? जी बिल्कुल मिलेगा, अभी लाइए। सर ये आपको डरी डरी से नहीं लग रही है? अरे मेघा जी ऐसा कुछ नहीं है, क्या है कि आजकल जब माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं ना तो बच्चों को ये कहकर निकलते हैं कि कोई भी अनजान इंसान आए तो उसे घर पे नहीं लाना है। फिर भी सर? सर लगता है ये दोपहर का समय है ना, तो सो रही होगी इसलिए थकी थकी लग रही है। खामो का शक किया जा रही है, जो काम करने हैं उस पर फोकस करते हैं ना। अरे घर अच्छा बनाया इन लोगों ने, क्या लगता है कभी हमारा भी सौभाग्य होगा इस तरह का घर होने का? स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ शुरू करते हैं। सुरेंद्र। यस सर। ये माथुर जो आपके पड़ोसी है कितने समय से जानते हैं आप उन्हें? एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर 6-7 साल हो गए। उनका व्यवसाय कुछ पता हो आपको? जी दीप्ति भाभी हाउसवाइफ है और उनके हस्बैंड बैंक में। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कभी जेल गए हो, कभी पुलिस आई हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई हो आपको अंदाजा हो? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, मैंने नहीं देखा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही पूछना था आपसे, चलता हूँ। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? क्या मालूम बाहर ढंग का मिले या ना मिले। जी ऊपर से लेफ्ट में मेरा रूम, आप वहां चले जाइए। पर सामने तो है, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? नो 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 नहीं। वो एक्चुअली मेरा भाई अंदर सो रहा है। पर तुम तो बोल रही थी कि तुम घर पर अकेली हो। हाँ वो सो रहा है, मैं अकेली ही हुई जो जग रही हूँ। क्या हुआ? सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़? सर मेरा भाई अंदर सो रहा है और इनको यही रूम यूज करना है,
ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं इनको कह रही थी कि ऊपर जाके मेरा सर, इसने बाहर क्या बोला था कि मैं घर पे अकेली हूँ। हाँ तो excuse me, please step back. We'll have to check. Sir, why do you need to check? Excuse me? आप एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को बताएंगी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब समझती है आप? It's a big offense. Cooperate कीजिए। मेघा जी चलिए, सुरेंद्र जी आइए। Oh my God. मेघा जी पल्स चेक करो। पल्स चेक करो। सर, पल्स नहीं चल रही है सर। सर ये मर चुका है। मैंने बोला था ना सर कि कुछ गड़बड़ है। एम्बुलेंस बुलाओ और इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। सर पूरी बहुत निकल रहा है। देखो तुम्हारे चुप रहने से मामला सिर्फ खराब होगा। तुम्हारे माँ बाप भी आ रहे थोड़ी देर में, उनके सामने तो बोलना ही पड़ेगा ना। बोलो सर। क्या सर? अर्जेंट बात करनी थी। सुरेंद्र जी आप देख रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? सर अर्जेंट है सर। आप भी ना सुरेंद्र जी, चलिए। बोलिए सुरेंद्र जी। सर जो घर पे कचरे का डब्बा था उसमें से गांजा निकला, मुझे पक्का डाउट है कि ये नंबर वन की गंजेड़ी है। हाँ तो मतलब सर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी आदत पड़ जाती है कि जब तक इनके खून में नशा ना दौड़े तब तक इनको कुछ सूझता ही नहीं है। और तो और पत्थर बनकर पड़े रह जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हो आप सुरेंद्र जी? सर कहना ये चाह रहा हूँ कि एक बार नशे को खींच लेने दो, फिर देखो तोते की तरह पटर 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 बोलेगी। हाँ पागल हो गए हो क्या? अब हम पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बैठकर क्रिमिनल्स को गांजा सप्लाई करेंगे? अरे सर सच बुलवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गांजे का अरेंजमेंट कहाँ से करोगे? अरे सर आपको नहीं मालूम, घर से जो बरामद किया था ना उसी में से दे देंगे इसको। हाँ ठीक है, करो जो करना है, पर ध्यान रहे ज्यादा ना हो जाए। ठीक है? ठीक है सर। और अगर बोलने लगे तो मुझे बुला लेना। पक्का सर, मैं बस लेके आता हूँ। हाँ आओ। ठीक है सर। मिली स्कूबी तू जिंदा है? मिली तू रो मत, तू बुला ले अपने क्यूट वाले फ्रेंड को, बट तू रो मत। नहीं बुलाना मुझे किसी को, तू है ना मेरा प्यारा क्यूट भाई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ना शादी करके भी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। मिली तू ठीक ठीक तो है ना? फर्क नहीं पड़ता, तू ठीक है ना? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं पापा को कॉल करूं? क्यों? तू बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तू नहीं समझेगा, तू आइसक्रीम खा। आइसक्रीम तो लानी पड़ेगी। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ,
मिली, ये तो और भी अजीब है। तुझे आइसक्रीम चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो बस मैं लेकर आती हूँ। सुनना, मेरे को वो विक्स वाला फिर से देना। नहीं, आज और अभी से ये सब बंद। नहीं तुम लोगे और नहीं से कभी मैं लूंगी। पर क्यों? क्योंकि ये बुरा है, गंदा है। इट इज बैड। नो, इट्स गुड। मुझे मजा आया था, मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं, प्लीज। नहीं इसको भी, प्लीज। नहीं, जा तू गंदी। मिली, ओए ओए नौटंकी, मिली मिली उठ।